All right, welcome to this live class. आज ये session forester exam जो आज हुआ है उसका question paper discussion के लिए हो रहा है. Guys, type LC in the chat if you can hear me. अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो type loud and clear in the chat. Okay. All right. Yeah. एकदम हम भी अभी यहाँ पे नहीं है. आई एम नॉट इन ईटानगर नाउ. सो बच्चा लोग हमको क्वेश्चन पेपर भेजा, सो आई केम बैक टू माई होटल. इसको सॉल्व करके अभी हम लोग लाइव जा रहा है. बच्चा लोग हमको क्वेश्चन पेपर भेजा, सो आई कैन सी. या ऑलराइट, फेसबुक में वी आर कनेक्टेड, इवन ऑन यूट्यूब वी आर कनेक्टेड. ऑलराइट गाइस, लेट्स डू समथिंग. आई एम गोइंग टू इन्वाइट प्रमोद सर. प्रमोद सर इज विद मी. प्रमोद सर हम लोगों का मैथ्स का फैकल्टी है और सर जो है सर आज मैथ्स का एक्चुअली सर भी अभी घर गया हुआ है. ओके, आसाम में तो आपको पता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो ही वेंट बैक एकदम से. तो स्टूडेंट लोग क्वेश्चन पेपर भेजा, तो सर को हम रिक्वेस्ट करके अभी ये लाइव सेशन में बुलाया है. I'm going to share my screen now. Pramod sir, are you here? Pramod sir, can you please unmute yourself? Unmute कर दीजिए आप खुद को ना. Okay sir. Hello sir. Yes sir. Students. थोड़ा आवाज कम आ रहा है. Is it clear sir? Is it audible right now? Yeah. Okay, I think it's better. Guys. या आप लोगों को सुनाई दे रहा है प्रमोद सर का आवाज? प्रमोद सर हम लोगों का मैथ्स, हम लोगों का जीरो टू हीरो बैच का जो हम लोगों का फैकल्टी है, प्रमोद सर है. ओके, सो या पीपल आर सेइंग लाउड एंड क्लियर, सबको सुनाई दे रहा है. गाइस, मैथ्स में हम लोग डिस्कस करने वाला है सेट ए का, क्योंकि सर को जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर भेजा वो सेट ए का है. ये फॉरेस्टर के लिए है, फॉरेस्ट गार्ड का तो अभी तक हमको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, शायद सर को भी नहीं मिला होगा, तो फॉरेस्टर का ही अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाला है. राइट, सो व्हाट आई एम गोना डू सर, मैं अभी क्वेश्चन को स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ. ओके सर. तो सर अभी तो आप घर पे हो, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कुछ भी इसको सॉल्यूशन कर देने के लिए, राइट? लेकिन आप बता दीजिए सो दैट स्टूडेंट्स कैन आल्सो मेक नोट ऑफ इट. सर 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, क्लास में बहुत डिस्कस किया था जब रेशियो चैप्टर में हमने वर्ड प्रॉब्लम जो डिस्कस किया था, ऐसा क्वेश्चन हमने कराया है. वहां से बस एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना. तो अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर 60 आ जाएगा. इसका 60 है इसका आंसर. सो यू मीन इसका आंसर डी है? डी है. यस सर, डी. ओके, चलो गाइस आप लोग अपना आंसर को चेक करते जाना. फर्स्ट 51 नंबर का डी है. ओके, नो एक्चुअली मैं तो हूं यहाँ पे. पीपल आर सेइंग सर इंग्लिश का पहले बता दो बोल के. एक्चुअली सर का वहां पे नेटवर्क का थोड़ा इश्यू भी हो सकता है, तो जब तक चल रहा है इसलिए हम फटाफट मैथ्स का बताने के लिए है. ठीक है गाइस, प्लीज हैव पेशेंस. ऑलराइट, प्लीज बेयर विद मी. ओके सर, लेट्स गो टू Question number 52. May sir, the sum of two numbers is 28. Two times the first number is greater than thrice the second number. बस बोला है कि दो नंबर का सम 28 है. अगर मैं कोई दो नंबर लेता हूँ, x plus y का सम 28 होगा. उसके बाद बोला है 2x जो होगा उसका 3 times plus 16. बस आपको दो इक्वेशन सोल्व करने हैं. अगर आप इक्वेशन सोल्व करेंगे तो इसका आंसर A आ जाएगा, 20 and 8. अगर हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं सर, कैसे? अगर आप देखेंगे 20 और 8, 28 हो रहा है. 20 का 2 टाइम्स होता है 40, जो 40 इक्वल है 8 का 2 टाइम प्लस. अगर आपका 8 का 3 टाइम्स करेंगे आप 24, 24 प्लस 16 40 होता है. तो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन. अच्छा, सो ए है 52 का, राइट? यस, 52 का ए. गाइस आप अपना आंसर शीट में या तो आप नोटबुक में लिखते चले जाओ. ये सेट, ये सेट ए का है मैथमेटिक्स का, प्लीज कीप दैट इन माइंड. ओके सर, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 53 में सर बस दो नंबर का रेशियो बोला है. अगर हम दो नंबर का रेशियो 3x और 4x एज्यूम करके
3x माइनस 4, 4x माइनस 4 इक्वल टू 2 बाई 3 करके इक्वेशंस बना के x यहां से 12 और 16 b आ जाएगा। ऐसा मैंने क्लास में बहुत सारा क्वेश्चंस डिस्कस किया है सर। सो ये a है, 53 का a है, 53 का a है, यस सर, a 12 और 16 का है ना आपने, 12 और 16, यस सर। ऑलराइट, सो 53 का भी a है, ओके ग्रेट। चलो 54 का सर a हो जाएगा, इसमें बस इक्वेशंस ही फॉर्म करना है। a is older than a equal to b plus 5, a equal to 3 by 2 b करके a और b का वैल्यू 25 और 20 आ जाएगा, a आ जाएगा। इसका भी a है, ये सब हमने बहुत ट्राई किया, इसका भी a है। चलो मैं मार्क करते हुए जा रहा हूँ गाइस, 54 का भी 25 और 20 बता रहे सर, सो 54 का आंसर a है, ठीक है सर। जब आप वापस आ जाओगे ना सर, यस सर, इसका सॉल्यूशन आप सॉल्व करते हुए भी एक बार अपलोड कर देना, बहुत जल्दी सर, बहुत वेरी शुक्रिया सर को। आप फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक में प्रमोद सर बोल के, उनका यूट्यूब चैनल भी है सर, आपका यूट्यूब चैनल भी है, यस सर, प्रमोद सर मैथ्स एंड रीजनिंग नाम है। अच्छा, प्रमोद सर मैथ्स एंड रीजनिंग, यू कैन फॉलो हिम ऑन यूट्यूब एज वेल। सर नंबर 55 एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 सर, ये तो एकदम बच्चा वाला लेवल का क्वेश्चन है, बस एलसीएम ही फाइंड आउट करना है, 96 और 404 बस 9696 आ जाएगा, ये तो किसी ने नहीं छोड़ा होगा, इसको अगर छोड़ दिया तो कहानी खत्म है, बी हो जाएगा, बी बी 9696 इसका आंसर, यस 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 9696, यस सर, यस सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। Let's go to question number 56. ये तो क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया था, हमने बोला था ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसे कुछ नहीं करना है, बस दो एक MDH वाला फॉर्मूला से सॉल्व करना है, हमने क्लास में कराया भी है बहुत बार, तो यहाँ से बस इक्वेशन फॉर्म करना है और इसका आंसर बी आ जाएगा, बी टू आ जाएगा, टू इसका भी बी, हाँ अच्छा, तो ये रहा बी, टू डेज सर ना, यस टू डेज, दो दिन, दो दिन, थैंक यू सर। लेट्स गो टू 57। 57 की बहुत ही आसान ये क्वेश्चन हमने क्लास में कराए है, 2 बाई 3 इक्वल टू 18 हो जाएगा, तो यहाँ से एक दिन का काम आ जाएगा 18 इंटू 3 बाई 2, मतलब एक दिन का काम हो जाएगा 27, टोटल अगर 27 काम है, 1 बाई 4 करने में लगेगा 6, 3 बाई 4, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी, डी डी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन सर 22nd का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा तो नहीं लेना चाहिए सब क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, ऑलराइट, सो 57 का हो गया हमारा, कितना लोगों का यहाँ तक क्लियर है गाइस, आप चैट में टाइप करके बता दो क्लियर है तो क्लियर है बोल के, टाइप क्लियर। अभी हम लोग जाएंगे 58, उप्स यहाँ पे ओके मिक्सअप हो गया है यहाँ पे क्वेश्चन ना, गाइज आई एम सो सॉरी, इंग्लिश का भी मिक्सअप है बीच में, सो या अच्छा मिल गया, ओके सो आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन माय स्क्रीन नाउ, उप्स आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी, ओके अरे ये बार बार दूसरा फाइल शेयर हो रहा है सर, बहुत ज्यादा फाइल खुला हुआ है यहाँ पे इसलिए सर 58 तो क्या बोले सर, ये तो 5 सेकंड भी नहीं है, क्वेश्चन टाइम लेगा अच्छा। बस कुछ नहीं करना, हमने क्लास में डिस्कस किया था, उन्हें याद ही होगा लेंथ ऑफ ट्रेन का, बस 15 into 12 180 है इसका आंसर, जो ऑप्शन डी, बहुत ही आसान 5 सेकंड, 180, ऑप्शन डी, डी डी डी, नन ऑफ दिस, यस यस नन ऑफ दिस, अच्छा अच्छा इसका नन ऑफ दिस है, यस सर, ओके नन ऑफ दिस गाइस, नोट कर लीजिए 58 नंबर का, ओके नॉट बैड, बच्चे लोग भी हमने सॉल्यूशंस भी फेसबुक पेज में सर डिटेल में सेंड किया है,
अच्छा फेसबुक में आपने डाला हुआ है, और राइट डिटेल मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, हाँ मैं बच्चों के लिए लिंक शेयर कर देता हूँ। 59 नंबर का सर, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:8, इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ देम देयर रेशियो बिकम्स 8:9, द नंबर्स आर 59। इसमें कुछ नहीं करना है, दो नंबर 7x और 8x लेना है, वहां पे बस 3 प्लस कर देना है, ये 21 एंड 24 सी, बहुत ही आसान, बहुत बार क्लास में डिस्कस हुआ है। सो इसका सी है, सी है बस। अच्छा सो सी है 21 और 24 है ना सर? यस यस सर। 60 का क्या है सर? राम एंड उमा इन्वेस्टेड, ये ए है, 10,000 यस सर। और 61 का? 61 का तो बहुत ही आसान है कि 84 इक्वल टू 30,000 है, इनटू 16 करने से सर बी आ जाएगा डायरेक्ट, ये भी बहुत ही आसान है, बी आ जाएगा डायरेक्ट, ये 1,57,500 सर। यस सर यस सर। अच्छा गाइस नोट कर लिया आप लोगों ने, इफ यू हैव नोटेड देन टाइप नोटेड इन द चैट, टाइप नोटेड इन द चैट, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है। देखता हूं फेसबुक में क्या चल रहा है। ओके गुड, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। ठीक है सर, अब चलते हैं 62 नंबर। 62 में बस कुछ नहीं है सर, बस 19 माइनस एक्स करना है, 32 माइनस एक्स 1/4, यहाँ से एक्स का वैल्यू 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा, बहुत ही आसान। 62 का 15, ऑलराइट। 63 का सर? 63 क्लास में बहुत डिस्कस किया है, बस यहाँ से ए का 4 है, बी का 6 है, यहाँ से फाइंड आउट करना है और 5 से डिवाइड करना है, 2.4 दैट मींस सी, सी फोर, ये सी 2.4 है ना सर? यस सर। 63 का है सी, 64 का क्या होगा सर? 64 का अगर मैं देखता हूँ सर, कोई भी अगर मैं टू डिजिट का एक नंबर लेता हूँ, नंबर 85 लेता हूँ, बोला है कि 85 से अगर मैं उसका सम ऑफ डिजिट, जैसे 85 का डिजिट का सम 8 प्लस 5 13 होता है, अगर मैं 85 से 13 को माइनस करता हूँ तो 72, मतलब हमेशा वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, बी हो जाएगा 9 ना सर? 64 का 9, 64 का बी सर? यस सर। ओके सर, सर का थोड़ा नेटवर्क में भी इश्यू है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। 65 नंबर का क्या होगा सर? बी है, ये तो बहुत ही आसान है सर, डिवाइड करना है और माइनस करना है बस, कुछ नहीं है। सो 1,2,5,8,4 बी। यस सर यस सर यस। अच्छा सेकंड वाला, थोड़ा आपका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है तो मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ, 1,2,5,8,4 यस सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 हो गया सर, 66 पे जाना है, मैं 72 वाला मिल गया मुझे, ओके गॉट इट। ओके थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट, ओके आई रियली अप्रिशिएट। 66 भी एकदम आईसीयू लेवल का क्वेश्चन है सर, एकदम आसान, आईसीयू लेवल है। ओके एयर लेवल पढ़ा सर, आईसीयू लेवल का पेपर आया है। ओके हाउ, ऑलराइट सो क्या होगा सर इसका? इसका सर ए हो जाएगा 3। इसका सी हो जाएगा 4/3 सर, 2/3 तो ए हो जाएगा सर इसका, ए हो जाएगा यस सर ए। ओके 67 का क्या होगा सर? 67 का भी बहुत ही आसान, हमने क्लास में डिस्कस किया था, बस पेरिमीटर और एरिया को स्क्वायर करना है, बट दैट मींस 2πr इक्वल टू πr स्क्वायर कर देना, यहां से r का वैल्यू 2 हो जाएगा d, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ये भी 2 हो जाएगा d। ग्रेट ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सारा डिस्कस किया हुआ है सर क्लास में सब कुछ। 68 नंबर का क्या है सर? 68 अगर कोई भी अगर हम रैशनल, और जैसे रैशनल नंबर 3 होता है, इरेशनल नंबर √3, अगर हम रैशनल और इरेशनल को प्रूव करते हैं तो हमेशा इरेशनल मिलता है सर, बी इरेशनल है इसका आंसर। यस सर बी, यस सर सिर्फ इरेशनल है ना?
यस बी अच्छा बी बी ओके 69 का सर 69 का ये तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था सर ये हो जाएगा 65 दैट मींस सी बहुत बार पैरेललोग्राम का क्वेश्चन हमने लिया ही था आई एम सो सॉरी गाइस इसका अगर आप लोगों को यहाँ पे सुनने में तकलीफ हो रहा है तो प्रमोद सर का आंसर उन्होंने पूरा अपलोड करके रखा हुआ है उनका चैनल में फेसबुक में उनका अपना चैनल पेज है फेसबुक पेज में उन्होंने अपलोड किया है ठीक है सर 70 नंबर का क्या होगा 70 नंबर का कुछ नहीं है सर ये बस एनसीआर लेना है और उसके बाद बी हो जाएगा इसका 5 और 8 ऐसा क्लास में डिस्कस हुआ 5 और 8 बी 5 और 8 हो जाएगा बी ओके ग्रेट ऑसम ठीक है सर और 71 का 71 का कुछ नहीं सर बस प्लस करना है इसका डी हो जाएगा 579 बहुत ही आसान क्वेश्चन ये 579 ग्रेट अब चलते हैं सर जल्दी से हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे 72 का है ना सर अभी 72 यस सर कितना लोगों को ये हेल्पफुल हो रहा है हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइंडिंग इट हेल्पफुल गाइस इफ यू आर फाइंडिंग इट हेल्पफुल देन टाइप हेल्पफुल इन द चैट टाइप हेल्पफुल इन द चैट उसके बाद में मैं इंग्लिश का करा दूंगा ओके सर 72 का 72 का बस प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये हमने क्लास में बहुत ही आसान हमने तो बहुत लेवल का कराया है तो बहुत ही आसान आ गया ये 60% हो जाएगा सी बहुत ही बस प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है सर 60% है ना 60 यस सर 73 का क्या होगा सर 73 का बस इसने आपको रेशियो देना है 400 डिवाइडेड बाय 3 रेशियो 600 डिवाइडेड बाय 4 अगर 8 और 9 हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर ओके ग्रेट 74 का सर 74 का 50% ऐसा क्लास में डिस्कस हो रहा है सर ऐसा ये सब क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया था 50% ओके ग्रेट कितना नेसोल का निंजा लोग अभी यहाँ पे लाइव में देख रहा है टाइप मी इन द चैट सर बोल रहा है क्लास में डिस्कस हुआ या नहीं हुआ सर अभी हम लोग चलेंगे 75 राइट 75 में तो हमने बोला था कि ये जब भी अमाउंट दिखता है तो सीधा अमाउंट का फॉर्मूला पे टारगेट करना है हमने बहुत बार क्लास में अभी सीधा उस पे अमाउंट का फॉर्मूला से अटैक करना है या प्रिंसिपल 12000 आ जाएगा सीधा 12000 ए 76 का सर 76 पे तो मक्खन वाला क्वेश्चन है सर बस एचसीएफई निकालना है सी आ जाएगा 6 ये तो कुछ नहीं है सर 76 का कौन सा सी सर यस सर सी 6 यस सर 77 का सर 77 का ए ऑड हो जाएगा ऑलवेज ऑड ही होता है ऑड ए ओके 78 का सर 78 का ए हो जाएगा 195 एंड 43 ना 143 ओके 195 एंड 143 ना सर यस सर 78 का ए 79 का सर 79 का अगर आप देखते हैं सर इस क्वेश्चन में हमें बस हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बहुत आसान से कर सकते हैं जैसे 240 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है 1624 से डिवाइड नहीं होता है 2400 भी स्क्वायर रूट नहीं होता है 3600 स्क्वायर रूट भी होता है वो 24 से डिवाइड होता है डी बहुत ही आसान ऑप्शन से हम कर सकते हैं इसको डी डी 3600 है सर इसका आंसर यस यस सर 3600 यस सर यस ओके ग्रेट सो लेट्स गो टू 80 नंबर पे चलते हैं अभी ओके 80 यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन पेपर एक पेज हाँ अलग अलग पेज भेजा हुआ है तो उसको ढूंढना पड़ रहा है लिटरली ओके आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन माय स्क्रीन थैंक यू सो मच प्रमोद सर मैंने आपको फोन किया और आपने भी इतना बिजी है आप घर पे भी और टाइम निकाल के आप आ गए थैंक यू सो मच सर 80 नंबर का क्या होगा 80 का सी हो जाएगा 67 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन 67 81 का सर 81 का सी 81 का सी 20:15:12 यस सर 82 का सर
82 को मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से भी बहुत जल्दी कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है इसको थोड़ा समझा सर, ये क्वेश्चंस को ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखिएगा पहला ऑप्शन यहाँ पे बोला कि दो डिजिट का जो होगा 4 times होना चाहिए इसका डिजिट, आप पहला ऑप्शन दिया है 54 के लिए 36 नहीं होता है, अगर आप तो इसका 36 C इसका आंसर यस इसका सी है सर, 36 इज सी, 36 सी है यहाँ पे, यस सर 36 अच्छा सी सी फॉर चार्ली, ओके गुड। 33 का सर 83 नंबर सॉरी सर, बहुत ही आसान, यहाँ पे ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है और सी का 7 पुट करना है, 3 + 4 + 7 डिवाइडेड बाय 7 दैट मींस इक्वल टू सी। 83 का सर कितना है, 2 यस सर, 83 का आंसर 2 है, ओके ग्रेट गाइस, आप लोग नोट करते हुए जा रहे हो ना। 84 का कितना होगा, 84 का बस सर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहां से सीपी 32 आ जाएगा, ए बस प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ नहीं। अच्छा 85 का सर, 85 का तो ये अपने क्लास मेरा नंबर सिस्टम का नोट से होगा, 289/900 बी 289/900 यस सर, तो सर वो ए है 289/900 ए है यहाँ पे, ओके ठीक है। फिर उसके बाद में 86 का क्या होगा सर, 86 का 48.6 आई थिंक ए है क्या सर, ए 48.6 यस सर, आई एम सो सॉरी गाइस, सर का इतना नेटवर्क में अप एंड डाउन होने के वजह भी सर टाइम दे रहा है, सो हम कंफर्म करके होने से भी करेक्ट आंसर निकालने का हम ट्राई कर रहा है, सो प्लीज बेयर विद मी, इसके बाद में हम लोग इंग्लिश पे जाएंगे, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, अभी हम चलेंगे 87, या लेट्स गो टू 87। 87 का सर यहाँ पे बस बहुत ही यहाँ पे बस पैरोट और टाइगर का कंपैरिजन करना है, बस यहाँ से इक्वेशन बनाना है, टाइगर का जो 14 आएगा सी होगा 87 का, यस सर ओके सी, और 88 का सर 540 बी ओके 540, 89 का सर 130 बी ओके, 90 का सर 15% yes sir okay, so 87 का C, 88 का B, 89 का 130 और 90 का 15%, okay let's go to 91 sir, 91 का कितना होगा, 20 है 20 yes sir, तो ए हो जाएगा इसका आंसर है ना, yes, 92 का क्या है सर, 92 डी 92 डी 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री सर, ये भी क्लास में डिस्कस हुआ है क्वेश्चन, 40 60 80 डिग्री ना सर, yes sir 180 right, ओके एक्चुअली आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं इसलिए, ओके ठीक है लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, 93 का सर ए यस 10 2/3 केजी है ना सर, यस सर ठीक है थैंक यू सर, लेकिन इसका सॉल्यूशन करके आप डलवा दीजिए कहीं पे, ओके ये 93 अभी कौन सा वाला, ओके सो वी हियर नाउ, लास्ट अभी कुछ क्वेश्चंस रह गया है, फिर उसके बाद में हम इंग्लिश में चलते हैं, सो आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन माय स्क्रीन, ऑलराइट सर, क्वेश्चन नंबर 94 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इससे सीधा आ जाएगा 1260
1260 बी हो जाएगा इसका आंसर। यस सर बी। ये सेट ए का हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स का। सर 95 का 25 बी हो जाएगा। 25 इसका भी बी। यस सर। 96 का सर 96 का सर प्रमोद सर आर यू देयर? लगता है सर का कुछ नेटवर्क इशू के वजह से। प्रमोद सर आर यू देयर? प्रमोद सर का थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो गया लग रहा है। मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई एम गोना डू नाउ, 96 पे है ना इनका जो आंसर शेयर कर रहा है। सर आर यू देयर? यस सर। आपका पूरा एकदम ये नेटवर्क जो टूट रहा है आवाज, तो हम कर रहे थे 96 का, आप बताए नहीं। 96 का ए सर ए। अच्छा आंसर बता दीजिए एक बार। फोर यस सर। 97 का सर? 97 का 60 सी। 97 का 60 ओके। 98 का सर? 30 ए। यस सर। 99 का सर? 10 सी सर। 10 सी यस सर। अच्छा सर ये क्वेश्चन सेट ए नहीं है बता रहे तो कुछ स्टूडेंट्स। कौन सा सेक्शन है पता नहीं, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं यहाँ पे कैनली सेइंग इट्स नॉट सेट ए सर। इसको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी गाइज, एक्चुअली एकदम ऐसा होता है ना जिस दिन एग्जाम खत्म होता है तो बच्चे हम लोगों को एकदम से क्वेश्चन पेपर भेजना शुरू कर देते हैं, तो ए का बी का सी वो ऊपर नीचे हो गया होगा। सो आई कैन ओनली अपोलोजाइज, थोड़ा सा हम लोग इसको चेक कर लेंगे। थैंक यू सो मच कैनली। ओके सो 99 का सर बताइए जो भी है हमारे स्क्रीन पे अभी। 10 हो जाएगा इसका। 10 हो जाएगा है ना सर। गाइज आप लोग एग्जाम देने वाला है तो आप लोग बताइए ये कौन सा सेट का है, तो उसी हिसाब से मैं करेक्शन कर देता हूँ यहाँ पे। और 100 का क्या होगा सर? बी सर, 6 by 13। ओके ग्रेट। सो पीपल आर सेइंग ये सेट बी का है, सेट बी का है सर, तो आपका और मेरा सही हो गया। फिर इंग्लिश का भी सेट बी का है मेरे पास और मैथ्स का भी सेट बी का है ये। इसको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है सर। प्रमोद सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई वॉन्ट एवरीबडी जो भी अभी ये लाइव सेशन में हम लोग के साथ कनेक्ट हुआ है, लेट्स थैंक प्रमोद सर फॉर हिज टाइम। और इन्होंने अपना टाइम निकाला, क्वेश्चन को सॉल्व कराया। थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज फाउंड इट हेल्पफुल। या सो थैंक यू सो मच प्रमोद सर। आई कंटिन्यू, अभी मैं इंग्लिश पे कंटिन्यू करता हूँ। यू ठीक है। थैंक यू। ओके गाइज आर यू रेडी फॉर इंग्लिश? इंग्लिश का भी हम लोग जाके इसको कंटिन्यू करेगा अभी इंग्लिश का। ठीक है इंग्लिश का भी मुझे जो स्टूडेंट ने भेजा है, जो हमको भेजा है, बोला है कि वो सेट बी का है बोल के, तो पता नहीं हमको कौन सा सेट का है, बट आई विल स्टार्ट शेयरिंग इट ऑन माय स्क्रीन। ओके गाइस कैन यू सी माय स्क्रीन? इफ यू कैन सी माय स्क्रीन देन टाइप क्लियर इन द चैट और टाइप आई कैन सी इन द चैट। ओके ऑलराइट। चलो ये हम लोग अभी इंग्लिश का भी कुछ कर लेता है। इंग्लिश का भी बहुत इजी पेपर था आज का। कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, बहुत ज्यादा कट ऑफ होगा इस बार का एग्जाम का।
ओके, फॉरेस्ट गार्ड का अभी तक हमको क्वेश्चन नहीं मिला है, ठीक है, सो इसका करना पड़ेगा अभी. आई विल इन्फॉर्म यू गाइस, लेट्स स्टे कनेक्टेड, हम लोग टच में रहते हैं. ओके गाइस, चेक दिस आउट. क्वेश्चन नंबर वन, म्यूजिशियंस एंड परफॉर्मर्स आर होगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर होगा आर. क्वेश्चन नंबर वन का सी होगा आर. उसके बाद में टू का होगा वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, वन है, एक के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा इज. ठीक है गाइस, कैन यू सी माय स्क्रीन? इफ यू कैन सी देन टाइप क्लियर इन द चैट. इजी पेपर था आज का, कट ऑफ आई कैन सी मेनी पीपल आर रिक्वेस्टिंग फॉर फॉरेस्ट गार्ड का, उसका भी कर लेगा, उसका भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, ओके, सो डेविड इज सेइंग इट्स क्लियर, थैंक यू, ऑसम पीपल, लेट्स कंटिन्यू. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर थ्री का आई डैश नेवर टेल अ लाई, आई विल नेवर टेल अ लाई, इसका विल कर दो. ठीक है, मॉडल है, ये मॉडल का क्वेश्चन है. फिर उसके बाद में ही हैज नॉट वर्कड हार्ड एंड ही माइट पास द एग्जामिनेशन. माइट का मतलब होता है ना लीस्ट पॉसिबिलिटी, तो इसलिए यहां पे माइट होगा. ठीक है, नंबर फोर का माइट है. नंबर फाइव का प्रणव डैश हैव कॉट द ट्रेन इफ ही हैड रन फास्ट, ये कंडीशनल है. सो कंडीशनल में अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेगा, देखो इफ ही हैड है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कुड हैव या तो वुड हैव डालता है. इस यहाँ पे कुड ऑप्शन में है तो विल गो फॉर कुड. नंबर फाइव का कुड है गाइस, यहाँ पे कुड ऑप्शन में है तो विल गो फॉर कुड. लोपसांग चोएगल इज सेइंग इज, इसलिए वन है ना, वन बोल के लिखा हुआ है. एक्चुअली अगर आप जाके देखेगा, कुछ दिन पहले हम ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फेसबुक लाइव क्लास दिया था, तो उस टाइम में हम बताया था आप लोगों को, शायद आप लोग ध्यान नहीं दिया या तो फ्री का क्लास है बोल के आप लोग अटेंड नहीं किया होगा. सो प्लीज डू अटेंड, आजकल हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए. अभी दूसरा हेड कांस्टेबल का एग्जाम भी आने वाला है. ओके, ऑल गुड, या यहां तक क्लियर है तो गिव मी थम्स अप इन द चैट गाइस, गिव मी थम्स अप इन द चैट. लेट्स गो टू नंबर सिक्स. द टीचर सेड आई विल टेक अ टेस्ट ऑन इंग्लिश टुडे. ओके, सो इसमें क्या होता है, हम लोगों को लेके जाना है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाना है. गाइज ऑलवेज रिमेंबर, इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट है. जब भी पास्ट होता है, सेड है, SAID सेड है, तो इसका टेंस चेंज होगा. ठीक है, इसका टेंस चेंज हो जाएगा. और आपको यही याद रखना है कि विल जो है फ्यूचर टेंस में हमेशा वो वुड में जाता है. सो द टीचर सेड दैट शी वुड टेक अ टेस्ट ऑन टूडे, जो दैट डे में हो जाता है. सो द एंसर बिकम्स नंबर डी, ऑप्शन डी गाइस, सिक्स का डी है. ओके, सिक्स का डी है. लेट्स गो टू नंबर सेवन. द मेजर सेड टू द सोल्जर्स, ये हम बार बार बताया है कि जब भी मेजर आर्मी पुलिस वाला जब भी बात आता है तो हम लोग इसमें कमांडेड को यूज करता है. द मेजर कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च अहेड, तो इसका आंसर होगा सी, सेवन का सी. ऑलराइट, लेट्स गो टू नंबर एट. मेधा सेड टू चरित, आर यू फीलिंग कोल्ड, ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव में ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है. सो जब भी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है या तो हम लोग इफ डालता है या तो वेदर डालता है. और दूसरा याद करना कि ये सेड है ना, यहाँ में रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा. सो द आंसर इज डी, मेधा आस्क्ड चरित वेदर ही वॉज फीलिंग कोल्ड. ओके, सो एट का डी होगा. ऑल गुड पीपल, या लेट्स गो टू नंबर नाइन. हा हा हा, ओके, ये एग्जाम से तीन चार दिन पहले ही हम इसको डिस्कस किया था. ठीक है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, कैनिबल नहीं होगा, एपोस्टेट नहीं होगा, एमिग्रेंट नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, मिसैंथ्रोपिस्ट. ओके, इसका आंसर होगा बी, बी फॉर ब्रावो वाला मिसैंथ्रोपिस्ट. ठीक है, नाइन का बी,
बहुत ऐसा यहाँ पे जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, इतना ज्यादा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो वोकैबुलरी का क्लास में हम ऑलरेडी करा चुका है, जो मॉर्निंग को हम लाइव जाता है उसमें हम बहुत ज्यादा करा चुका है। देखो नेक्स्ट 10 नंबर का ये भी हम लोग कर चुका है, वन हु नोज एवरीथिंग, इसका क्या होगा, ओमनिसिएंट होगा, ओमनीप्रेजेंट मतलब जो हर जगह प्रेजेंट होता है, ओमनीपोटेंट मतलब जो पावरफुल होता है, ओमनिसिएंट मतलब जिसको, हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता होता है। क्लियर है? लेट्स गो टू 11 गाइज, एम आई टू फास्ट? एक्चुअली लास्ट टाइम हम डिस्कशन करते समय में कोई हमको, हम देखा था तो टाइप करके बता रहा था कि सर बहुत स्लो हो गया बोल के, तो आज थोड़ा सा फास्ट ही कर रहा है। हम भी जयपुर घूम रहा है, पूरा दिन भर घूम के थोड़ा थक गया है गाइस, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन काम है, करना तो पड़ेगा, है ना। सो आई थॉट ऑफ गोइंग लाइव। ओके, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, देखो सॉल्वेंट मतलब सॉल्व जो करता है, फिर उसके बाद में जो सॉल्व नहीं किया है, सो यहां पे इसका आंसर जो है इनसॉल्वेंट है, ठीक है। ए 12 का है, वन हु इज गिवन टू क्वेश्चनिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स एंड द साउंडनेस ऑफ इनफेयरनेस, ये हम लोग एक हफ्ता पहले ही शायद हम लोगों ने इसको वोकैबुलरी में किया था, संडे का जो वोकैबुलरी, इवन आज भी हम 5 बजे लाइव किया था, तो वोकैबुलरी संडे को हम क्विज कराता है, उसमें हम ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर होगा स्केप्टिक, जो डाउटफुल होता है, ठीक है। आप एम्बिवेलेंट भी है इसका जो सिनोनिम्स, सो यू कैन सी दैट। या क्वेश्चन नंबर 12 का डी है गाइस, यहां तक कितना लोगों का क्लियर है? अगर क्लियर है तो टाइप क्लियर इन द चैट, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर इफ यू आर विद मी और नॉट। थैंक यू प्रेम, थैंक यू ताबा रिमपुम लोपसांग, थैंक यू सो मच डेविड, थैंक यू सो मच अच्वा अरंगम, थैंक यू सो मच। ओके लेट्स गो टू, या Our team had a picnic last week. Okay, यहाँ में N नहीं होगा, the भी नहीं होगा, the का एक specific use होता है, तो यहाँ में the नहीं होगा, यहाँ पे a होगा, a होगा इसका answer जो, okay? और दूसरा guys, प्रीतम है यहाँ पे tallest, ये भी हम कुछ दिन पहले superlative, comparative, positive के बारे में हम live जा रहा है, देखो past अगर आप देखेगा हम लोगों का Facebook या तो YouTube page में, अराउंड एक हफ्ता 10 दिन हो गया हम लाइव जाता है शाम को, उसमें हम सुपरलेटिव कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री के बारे में बताया था, तो यह मैं टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट के साथ में जाएगा द, द जाता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ऑल गुड, फिर उसके बाद में लेट्स गो टू 15 नंबर, प्रमिला हैड एन एप्पल इन द इवनिंग, ओके सो 15 का होगा एन सी एप्पल। 16 का द फैमिली वेंट टू सी लंडन ब्रिज, यहां में द डालने का जरूरत नहीं, ए डालने का जरूरत नहीं, एन डालने का जरूरत नहीं, जस्ट पुट नन ऑफ दीस, इसका होगा डी, द फैमिली वेंट टू सी लंडन ब्रिज। ओके ऑल गुड, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन, इसका जो आंसर है हम लोगों को ढूंढना है एंटोनिम, ठीक है, एंटोनिम ढूंढना है, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड, जो एब्सर्ड होता है इसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है इरेशनल होता है, तो ऑब्वियसली इसका एंटोनिम क्या होगा, रैशनल होगा, बी होगा, बी, बी से बॉय। ओके दूसरा है यहाँ पे एम्यूज, एम्यूजमेंट पार्क जहां पे होता है हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाता है, तो एंटरटेनमेंट का ऑपोजिट क्या होगा, एनोई गुस्सा दिलाना है कि नहीं, तो सी होगा, 18 का सी है गाइस। ऑलराइट 19 का यहां पे होगा, 19 का आंसर होगा पनिश, ओके पनिश डी होगा, एब्सोल्व इसका डी होगा, 19 का डी है, साथ में करते हुए चल रहा है ना गाइस, इफ यू आर विद मी देन टाइप विद यू इन द चैट, टाइप विद यू इन द चैट, इसका एक्चुअली हम आंसर ग्रुप में तो शेयर कर दिया था जो हम लोगों का फॉरेस्टर ग्रुप है, लेकिन आई थॉट फेसबुक में भी हम और यूट्यूब में भी लाइव चला जाता है ताकि सबको हेल्प हो जाए।
Thank you so much, guys. Thank you. I can see so many people are here. Let's go to give the names of the young ones of the following animals with the help of the given choices. Guys, I'll be honest. Hum socha tha ki is bar ka jo forester ka hai. Forester ka actually ye हम सोचा था कि बहुत डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होगा. सुना है मैथ्स भी बहुत इजी, इंग्लिश भी बहुत इजी, ये सब चीज तो इतना इजी होता है. द थिंग इज इजी है बोल के हम लोग इसको इग्नोर भी कर देता है कि नहीं. सो यहाँ पे क्या होगा, हेयर, हेयर का जो यंग वंस होता है उसको बोलता है लेवरेट, बोलता है LEVERET. 20 का होगा सी, 20 का सी है. 21 का क्या होगा, स्टैग. 21 का क्या होगा, गेस करके देखो तो गाइस. व्हाट डू यू थिंक, ट्वेंटी वन का क्या होगा, गेस करके देखो तो. ओके, 21 का फोन होगा, फोन, स्टैक का फोन. ग्रेट. एक्चुअली हम अभी दोनों जगह में लाइव है, अभी फेसबुक में भी लाइव है और हम अभी यूट्यूब में भी लाइव है, तो दोनों तरफ चैट देख रहा है. यहाँ पे हमको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हम इसका आंसर दे देगा. कोई हमको पूछा है कि एब्सर्ड, एब्सर्ड का जो क्या बोलता है, मीनिंग क्या है बोल के हमको पूछ रहा है, राइट. एब्सर्ड का जो मीनिंग है उसके बारे में हमको पूछ रहा है. एब्सर्ड का मीनिंग होता है अनरीजनेबल. ओके, अनरीजनेबल आप उसको क्रेजी भी बोल सकता है या इलॉजिकल, फिर उसका लॉजिकल, उसका ऑपोजिट जो लॉजिकल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर जो रैशनल है. फिर उसके बाद में यूट्यूब में हमको राहुल हमको पूछ रहा है, राहु हमको पूछ रहा है कि सर एब्सॉल्व का मतलब क्या है. एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को जैसे पनिशमेंट है ना, कुछ गिल्ट उससे फ्री कर देना, ठीक है आज से आप आजाद हो गया बोल के, ठीक है. तो लेकिन उसका ऑपोजिट क्या होगा, आजाद नहीं करके उसको क्या करना, पनिश करना, ठीक है राहु. इफ यू इफ इट्स क्लियर देन गिव मी थम्स अप इन द चैट. ऑलराइट, ओके, लेट्स गो टू नंबर 22. यहाँ पे हम लोगों को वॉइस चेंज करना है पैसिव वॉइस में. अनिया हैज लेफ्ट द लाइट ऑन. ओके गाइस, देखो जब भी हम लोग पैसिव वॉइस में लेके जाता है, अगर ये परफेक्ट टेंस में है तो बीन आ जाता है, BEEN, बीन. तो वाज वाला को हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर देगा, हेड वाला को डायरेक्ट हम एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. तो मेरा सीधा आंसर जो क्या होगा, बीन, ये बीन वाला होगा, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ना जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में, एक सीक्रेट बोलेगा आपको सामने, सीक्रेट ये है कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में लेके जाता है तो उसका सिर्फ वॉइस चेंज होता है, टेंस चेंज नहीं होता है. तो हैज है तो हैज ही रहेगा, ठीक है, हेड में नहीं जाएगा, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर. ओके, तो यहां में इसका टेंस चेंज नहीं हो रहा है. अरे क्या हो गया, क्या हो गया, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, ये स्क्रीन ही नहीं चल रहा अभी. उप्स, ओके, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग. हम एक काम करता है, स्क्रीन में अभी क्वेश्चन को हम शेयर नहीं कर पा रहा है. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग. I have to shut this. हम एक्चुअली क्या करेगा, क्वेश्चन पेपर को हम यहीं से देख के, इज इट ओके, क्योंकि हम पता नहीं क्या हो गया, ये कंप्यूटर मेरा हैंग हो गया. आप लोग सुन पा रहे नहीं पा रहे वो भी हमको पता नहीं. सो हम रोने दिल हो गया लाइव में ऐसा होने से. ओके, let me check it out, all right? एक सेकेंड, हम इसको चेक कर रहा है कि ये, come on.
हम चेक कर रहे, इफ हम सीधा आंसर बता देगा ना गाइस, कैन यू, आई एम सो सॉरी. देखो ना ये इट्स नॉट वर्किंग, एकदम क्लिक ही नहीं हो रहा है मेरा. ठीक है आंसर बता देगा, आई थिंक दैट्स बेटर, दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. एक्चुअली बहुत अच्छा से इसको डिस्कस करेगा बोल के हम प्रिपरेशन के साथ में आया है. हम लोग कौन सा नंबर में अभी, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर, या लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 23, राइट. 23 में रीमा वॉज डेकोरेटिंग द रूम. ओके, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है. गाइस जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो बीई आई एन जी आता है, इसको याद रखना, बीई आई एन जी. तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, द रूम वॉज बींग डेकोरेटेड बाय रीमा हो जाए, रीना हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 23 का डी है, क्वेश्चन नंबर 23 का डी है. ओके okay, let's go to question number 24. Achal is reading the newspaper. So yahan mein bhi being aa jayega aur ye present continuous tense hai to is hi rahega. So the newspaper is being read by Achal. So 24 ka C ho jayega guys, 24 ka C hoga. Theek hai, fir uske baad mein let's go to 25. Sheila wakes Ashwini in the morning. गाइज हमको लगता है बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, वेकन को लगा दिया, डब्ल्यू ए के ई एन, इसका वोकन होता है, वोकन वोकन डब्ल्यू ओ के ई एन. बहुत लोग इसमें मिस्टेक किया, आई नो कुछ स्टूडेंट हमको फोन करके बोला भी था. सो इसका आंसर होगा बी. ओके, अश्विनी इज वोकन बाय शीला इन द मॉर्निंग, 25 का बी. लेट्स गो टू 26. दिस रिवर इज, देखो टी एच ए एन लगा है मतलब कंपेरेटिव डिग्री है, तो इसलिए यहां पे होगा बिगर, बी आई डबल जी ई आर, बिगर. ओके, 27 का नहीं, 26 का कर रहे हैं हम लोग, आई एम सो सॉरी, 26 का है बी, डीपर होगा, डीपर, या 26 का है बी. 27 का है गायूस अम्ब्रेला वाज डैश ऑफ द थ्री. देखिए ये बात हमेशा याद रखना कि दो लोगों के बारे में जब बात करता है टू, तो उस वो होता है कंपैरेटिव डिग्री. अगर दो से ज्यादा, तीन होता है तो वो होगा सुपरलेटिव. तो इसलिए इसका आंसर होगा द होगा, गायूस अम्ब्रेला वाज द बिगेस्ट ऑफ द थ्री होगा. 27 का आपका आंसर हो जाएगा डी. ऑलराइट, आप लोगों का कमेंट देखने के लिए बहुत दिल हो गया, यहाँ पे ये चल ही नहीं रहा है. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. Let's go to number 28. An Eskimo's house is called as igloo. ये class 2 या 3 में हम लोग पढ़ा था होगा. A pigeon lives in a, guys, it's called, आप लोगों को पता है ना ये pigeon के साथ में ही related है, dove, जो साबुन भी होता है dove, right? So dove coat होगा इसका answer, जो D-O-V-E-C-O-T-E, D होगा, option D, ये चार number का D होगा इसका answer. 29 नंबर में होगा गाइस, 29 नंबर का है, ओके, 29 नंबर, 29 का हो गया. लेट्स गो टू 30. दोज वर्कर्स, गाइस दोज वर्कर्स है, प्लूरल है, तो इसमें क्या होगा, दोज वर्कर्स और फिर सिंस भी है. सो सिंस मतलब क्या होगा, परफेक्ट टेंस में जाता है, परफेक्ट टेंस में जाता है. सो द आंसर इज दोज वर्कर्स हैव बीन वर्किंग सिंस 8 इन द मॉर्निंग. सो इसका आंसर होगा सी. ओके, इसका आंसर होगा सी. लेट्स गो टू नंबर 31. लेट्स गो टू नंबर 31. ओके, दे डैश ट्रैवल टू देयर ancestral place when they were children. So iska answer hoga, they had hoga, C. Iska answer C hoga guys. 31 ka C. 32 ka, the colleagues dash leave by the time you reach there. Aap logo ko hum class mein bataya tha,
जब हम आप लोगों को सिखा रहा था परफेक्ट टेंसेस के बारे में, तो मेनली जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको सिखा रहा था तो बोला था कि इसमें आपको याद रखना पड़ेगा बाय द टाइम यू रीच देयर, ओके, जब आप वहां में पहुंचेगा, तो वो फ्यूचर का सेंटेंस है, तो इसमें जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द आंसर विल बी विल हैव लेफ्ट होगा, डी होगा इसका आंसर, द कलीग्स विल हैव लेफ्ट होगा, 32 का डी होगा, 33 का आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, डिलीजेंट का सिनोनिम होगा इंडस्ट्रियस, रॉन्ग होगा, वर्क डालने से रॉन्ग होगा, 33 का सी होगा चार्ली, सी से चार्ली, सी मतलब ऑप्शन सी है, आंसर है इंडस्ट्रियस, 34 का गाइस 34 का आई फील बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुआ होगा, इनफैक्ट हमको भी बहुत सोचा हम इस पे, हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज किया इस पे, ठीक है, सूट जो होता है SUIT सूट, वो हम लोग यूज करता है रूम्स के लिए यूज करता है, राइट, उसके बाद में फिर जो बंडल होता है वो बुक्स या तो कोई भी चीज जो पैकेट वगैरह में होता है उसको हम लोग बंडल के लिए यूज करेगा, आर्मी जो है वो आर्मी बैटालियन ये सब के लिए हम लोग यूज करता है, स्ट्रिंग भी जो है ना वो एक्चुअली जो माला वाला के लिए यूज करता है, लेकिन स्ट्रिंग जो है इंटरेस्टिंग है, ये जो ना पोनीस के लिए भी यूज करता है, और जो जो हॉर्स रेस वगैरह करता है ना, हॉर्स रेस उसके लिए भी यूज करता है, ठीक है, तो आज ही हम लोगों ने कैमल का हॉर्स रेस के बारे में हम लोगों ने आज सीखा था, आज ही हम लोगों ने सीखा था वोकैब का क्लास में जो अटेंड किया था आपको पता होगा, तो इसीलिए इसका आंसर जो इसका आंसर होगा बी होगा, बी स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग 34 का स्ट्रिंग है, 35 का ये बहुत इजी है, स्वॉर्म ऑफ बीज है, बी होगा इसका आंसर, 35 का बी स्वॉर्म, 36 का होगा इसमें क्या होगा, अ पैक ऑफ हाउंड्स होगा, अ पैक ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स मतलब क्या है, जो शिकार करने वाला है ना कुत्ता, अ पैक ऑफ हाउंड्स होगा, सी होगा, 37 का है यू डैश टेक अ हॉलीडे ऑन मंडे, तो आप किसी को यहाँ पे परमिशन दे रहा है, यू कैन से यू कैन टेक अ हॉलीडे ऑन मंडे, 38 का है रुचि डैश गो टू द डॉक्टर टुमोरो, रुचि मे गो टू द डॉक्टर टुमोरो, ओके, कल का बात है श्योर नहीं है, सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 50-50 हमें पॉसिबिलिटी का बात कर रहा है, 38 का ए होगा ए मे, 39 का गाइस 39 का जो साउंड है जो निकलता है टेलीफोन का बजिंग साउंड होता है जो वाइब्रेशन वाला होता है ना, 39 का बज होगा, 40 का होगा जिंगल होता है गाइस, 40 का जिंगल होता है कॉइन्स का, 41 का होता है बेबीज का क्या होगा लिस्प होगा, लिस्प लिस्प मतलब जो क्लियरली बात नहीं करता है ना, कुछ कुछ माउथ में कुछ प्रॉब्लम की वजह से भी कोई कोई लोग अच्छा से बात नहीं करता, तो बच्चा का भी वही होता है जब शुरू में बात करता है तो, है कि नहीं, सो इसके लिए लिस्प होगा सी होगा, 42 का होगा वी डोंट हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट द टेस्ट वी मस्ट ट्राई, सो 42 का बी होगा, ओके, आई एम सो सॉरी गाइस, हमको फोन में देख के बताना पड़ रहा है, मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन हैंग पड़ा हुआ है, अगर आप लोगों को इसका आंसर शीट चाहिए तो आप हमको मैसेज करना, हम सेट बी का पीडीएफ में आप लोगों को शेयर कर देगा, आप उसके साथ चेक कर लेना अपना, नंबर 43 में है अनार्गिया हैज मेनी पेपर क्लिप्स, ओके, पेपर क्लिप्स 1, 2, 3 इस तरीके से काउंट कर सकता है, उसके पास बहुत ज्यादा है बोल के बता रहा है, इसका डी होगा मेनी, 44 का है व्हाट इज राम डूइंग इन द इवनिंग, सो सी का सी होगा इसका आंसर, 44 का सी, 45 का है पूर्ण स्वम अक्रॉस द रिवर होगा, रिवर को क्रॉस करना एक साइड से दूसरा साइड में जाना, हम एक्चुअली आई थिंक जब प्रीपोजिशन का कुछ दिन पहले ही हम बताया था आप लोगों को लाइव क्लास में, 46 का क्या होगा फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट, द शॉप वोंट ओपन, वोंट है नेगेटिव है तो यहां में हम लोग डालेगा अंटिल, द शॉप वोंट ओपन अंटिल द ऑनर कम्स बैक, जब तक ऑनर वापस नहीं आएगा शॉप नहीं खुलेगा, सो इसका डी होगा डी अंटिल, गाइस 47 है द फैमिली ट्रस्टेड हिम एंड ही प्लेड देम फॉल्स, फैमिली ने उनको ट्रस्ट किया और उन्होंने उसके साथ गेम खेल दिया, मतलब डिसीव कर दिया, धोखा दे दिया, यहां पे हम लोगों को इडियोमेटिक
एक्सप्रेशन का मीनिंग चूज करना होता है. 48 ओलिवर हैज गॉट द लायंस शेयर ऑफ द मील, मतलब उसको ज्यादा शेयर मिला है. ओके, ज्यादा शेयर, तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, लार्जेस्ट पोर्शन. नंबर 49 अपर्णा गेव हिम अ पीस ऑफ हर माइंड फॉर स्प्रेडिंग वाइल्ड रूमर्स. अगर आपके बारे में कोई रूमर फैलाएगा, आपके बारे में कोई बुरा कहेगा, तो आप उसको क्या प्यार करेगा, क्या करेगा, गाली देगा, है कि नहीं? तो गाली के लिए हम लोग कौन सा यूज करेगा? स्कॉल्डेड हिम, सी होगा. इसका आंसर सी है गाइस, 49 नंबर का सी. 50 नंबर का प्रनेश डिड नॉट कट द मस्टर्ड एज एन ओपनिंग बैट्समैन. अब ओपनिंग बैट्समैन के हिसाब से किया है तो वो जो है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं खेला, तो इसलिए फेल्ड टू मीट द एक्सपेक्टेशन. इसका आंसर होगा डी. ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी. सो दैट्स इट पीपल. तो यही है हम लोगों का पूरा 50 हम बता दिया है. अगर आप लोगों को इसका आंसर चाहिए, ये सेट बी का हम डिस्कस कर रहा था, तो हम आप लोगों को शेयर कर देगा. फॉरेस्ट गार्ड पीपल प्लीज वेट, हमको अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है. प्लीज शेयर योर क्वेश्चन विद मी, आई बी मोर देन हैप्पी टू गो थ्रू इट. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. आप लोग इतना देर तक मेरे साथ में रहा, एक घंटा हो गया. ऑलराइट, सो विद दिस वी आर डन. थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टेक केयर, बाय बाय. कंप्यूटर हैंग हो गया है, आई कांट इवन टच एनीथिंग हियर.